एपिसोड शुरू होने से पहले हमें एक छोटा सा रीकैप दिखाया जाता है कि अब तक कहानी में क्या क्या हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि गॉड ने मकोतो को दुनिया के आखिर में फेंक दिया, जिसके बाद मकोतो कई दिनों तक घूमते रहा, जिसके बाद उसकी मुलाकात ऑर्क्स और शेन से हुई, जहाँ पे इनकी दोस्ती हो गई, जिसके बाद ये ऑर्क्स शेन के यहाँ पे डेमिल लैंड के वहाँ पे शिफ्ट हो गए। पर आपको पता ही है कि गॉडेस को इंसान ज्यादा प्यारे होते हैं, जिस वजह से इंसानों को अलग अलग ब्लेसिंग मिलती है। पर जब उस गॉड ने मुझे पहली बार देखा, उसने मुझे काफी गंदी तरह से ट्रीट किया, क्योंकि मैं बस सूरत दिखता था, उनके ह्यूमंस के जैसा मैं सुंदर नहीं था। तो उस गॉडेस ने मुझे ब्लेसिंग दी कि इंसानों को छोड़ के मैं किसी भी जीव की लैंग्वेज बोल, लिख और समझ सकता हूँ। दरअसल कुछ समय पहले डीमंस के ऊपर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि ना चाहकर भी उन्हें इंसानों के साथ एक वॉर छेड़नी पड़ी, और देखते ही देखते इंसान और डीमंस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। पर ये सब तो ठीक था, इससे पहले कि मकोतो को उस गॉडेस ने एक डीमन लॉर्ड ना बनाया जो कि ओवर पावर था, जिस वजह से मकोतो जितनी बार भी इंसानों के पास जाता वो इसके ऊपर हमला कर देते क्योंकि एक डीमन लॉर्ड जैसा दिखता है। तो मकोतो ने अपना भेस बदल लिया ताकि वो इंसानों के विलेज में जाके अपने माँ बाप के बारे में पता लगा सके कि आखिरकार वो कहाँ से आए थे। विलेज में पहुँचने के बाद इनके साथ काफी सारे इवेंट्स हुए, जिस वजह से इन्हें किसी न किसी से लड़ना पड़ा, जिसके बाद मियो और यहाँ पे तोमोए को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरे विलेज को ही तबाह कर दिया। पर यहाँ पे इन्होंने कुछ किडनैप लोगों को बचाया था, तो ये उन्हीं के साथ तीसे के विलेज की वहाँ पे बढ़ने लग जाती है, जो कि काफी बड़ा विलेज है। पर तीसे के विलेज के वहाँ पे जाने से पहले ये लोग एक एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पे ये सारी चीजें बता देते कि उस विलेज में क्या क्या हुआ। इस लड़की को यकीन नहीं होता कि आखिरकार विलेज कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। ये लड़का इसे बताता है दरअसल वहाँ पे काफी ताकतवर मॉन्स्टर आ गए थे, पर इन दोनों उन्हें हरा दिया। पर सच्चाई तो कुछ और होती है। दरअसल यहाँ पे तोमोए ने अपनी ताकत का यूज करके इन सब की मेमोरी हटा के दूसरी मेमोरी डाल दी है, सिवाय तोआ और रेनोन को छोड़ के। उन्होंने कहा वो किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। पर इस लड़की को यकीन नहीं हो रहा होता कि इतने ताकतवर मॉन्स्टर को आखिरकार इन्होंने कैसे हरा दिया। तो ये बताता है इनका लेवल 1000 से ऊपर है, पर इस लड़की को बिल्कुल भी इनकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। तब यहाँ पे मकोतो इसे पूछता की हमने जैसुआ के एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे रजिस्टर करवाया था, क्या हमें दोबारा से रजिस्टर कराने की जरूरत है। तो ये लड़की इन्हें कहती की मेरे हिसाब से जैसुआ का एडवेंचर गिल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, इससे पहले वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करे, तो इस वजह से आपको दोबारा से रजिस्टर करवाना पड़ेगा और आप दोबारा से रजिस्टर इसी के विलेज की वहीं पे करवा सकती हो। मकोतो फिर तोमोए को कहता है कि तुम्हारी और मियो की कॉन्टेस्ट की वजह से वो पूरा विलेज तबाह हो गया और दोबारा मैं ऐसे नहीं चाहता बिल्कुल भी। लगता है तुम इस वजह से चिंता में हो कि मियो तुमसे ताकतवर है और तुमसे लेवल में ज्यादा है। मकोतो फिर तोमोए को सामुराई के बारे में बताता है कि कैसी लाइफ वो जीते है, वो अकेले रहते और अपने स्किल पे काम करते और साथ ही साथ अपने लेवल पे भी। तो यहाँ पे तोमोए सोचती है अगर मैंने ऐसे किया तो मैं अपने आप को लेवल में काफी ज्यादा बढ़ा लूंगी और मियो मेरे सामने नहीं टिक पाएगी और साथ ही साथ यंग मास्टर भी मेरी काफी तारीफ करेंगे। जिसके बाद ये मकोतो से पूछती है कि यंग मास्टर मुझे आपकी परमिशन चाहिए ताकि मैं समुराई बनने के सफर पे निकल सकूं। मकोतो इसे परमिशन दे देता है और यहाँ पे तोमोए निकल जाती है अपने सफर के लिए। वहीं पे मियो सोच रही होती है कि अब तोमोए निकल चुकी है, इसका मतलब यंग मास्टर सिर्फ मेरे है। पर उसकी ये गलत फहमी होती है, वो तो सिर्फ तोआ को दिख रहा होता है जो कि सेगावा जैसे दिख रही होती है और इसे ये जेलस हो रही होती है। तभी इनके सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाती है। तो मकोतो मियो को कहता है क्या तुम उन मॉन्स्टर को मेरे लिए ठिकाने लगा सकती हो। मियो कहती कि ठीक है। मियो फिर अपनी ताकत का यूज करके इन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है और एक ही वार से ये सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं, जिसके बाद ये लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। मकोतो फिर इन्हें कहता है कि चलो आगे चलते हैं। पर इससे पहले ये लोग जाते हैं, यहाँ पे तो इसे बताते कि हमें मॉन्स्टर के मटेरियल कलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि हम उनसे पैसे कमा सके, और ये ऐसे ही करती है, ये मॉन्स्टर की आंखें निकाल लेती है। ये देख के मकोतो को काफी अजीब लगता है, वो सोचता है मैं कभी भी सेगावे के चेहरे के साथ ये चीजें करते हुए नहीं देखना चाहता। ये सब फिर अपने सफर के लिए आगे निकल जाते हैं, पर इन्हें काफी सारे मॉन्स्टर मिलते हैं अपने सफर के दौरान और ये सब उन सबको मार के इनकी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद ये तासे के विलेज तक पहुंच जाते हैं। और ये देखे कि इन्होंने इतने सारे मटेरियल इकट्ठा कर लिए, ये काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्हें बेच के ये काफी ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तब यहाँ पे इन्होंने बताते कि सामने काफी ताकतवर मॉन्स्टर दिख रहे हैं मुझे, जो कि रूबी आई वाले काफी रेयर मॉन्स्टर होते हैं और ये काफी कम पाए जाते हैं। तब यहाँ पे मकोतो इन्हें कहता है कि इन मॉन्स्टर को मैं तुम्हारे हवाले कह रहा हूँ, पर ये लोग कहते हैं कि इनसे चाहकर भी हम नहीं जीत सकते। तो मकोतो मियो को कहता है कि मियो जाके उनसे लड़ो, पर मियो कहते हैं कि मैं उनसे नहीं लड़ सकती, मैं काफी ज्यादा थकी हुई हूँ। तो यहाँ पे मकोतो खुद ही उनसे लड़ने का फैसला करता है। ये फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार उन मॉन्स्टर का वीक स्पॉट क्या है, और वीक स्पॉट का पता लगते ही मकोतो अपनी पावर का यूज करके इन सभी को मार गिराता है, जिसके बाद ये सब बिना मकोतो में इंटरेस्ट दिखाए उन मॉन्स्टर की आंखें निकालने लग जाते हैं। मकोतो इससे काफी उदास होता है। ये दोनों फिर तासे के विलेज जाके यहाँ के एडवेंचर गिल्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करवा देते हैं, जिसके बाद मकोतो देखता है यहाँ पे काफी सारे मिशन होते हैं जो कि ई क्लास और बी क्लास के होते हैं। मकोतो को एक मिशन दिख भी जाता है जिसमें रैंक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, पर इसे कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। तभी यहाँ पे तोआ आ जाती है जो कि कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो ये कहता है कि मुझे तुम्हारे से कुछ मटेरियल चाहिए। तोआ इसके लिए मान जाती है और मकोतो इसे रूबी आई ले लेता है, जिसके बाद तोआ इसे कहती है कि लगता है हमारे यहाँ पे अलविदा कहने का समय हो चुका है। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हम मिलते ही रहेंगे। मकोतो फिर कहता है कि आखिरकार हम अपने एंड ऑफ जर्नी को सेलिब्रेट क्यों
कंटिन्यू करते खाना खाते हुए रात को, तो वह इस चीज के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो इसे अपनी आईडी दे देती है अपने एडवेंचर गिल्ड के कार्ड से, जिससे मकोतो कहीं पे भी और कभी भी यहाँ पे तोवा को कॉन्टेक्ट कर सकता है और उसे मैसेज भी कर सकता है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे मकोतो और मियो यहाँ पे डिनर के लिए आ चुके होते हैं, जहाँ पे तोवा इनका वेलकम करते है। यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो की खाना खा रहे होते हैं, पर ये देख के इन सभी के पास तंगड़ी कबाब है, मकोतो काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसका बचपन का सपना था तंगड़ी कबाब खाना, वो भी काफी बड़ा। और जब मकोतो वो तंगड़ी कबाब खाता है तो वो कहता है ये काफी ज्यादा डिलीशियस है, आखिरकार ये कहाँ मिलता है? ये लोग कहते हैं ये काफी आसानी से कहीं भी मिल सकता है। ये सब फिर यहाँ पे काफी इंजॉय करते हैं। मकोतो यहाँ पे पंजे में एक लड़की को भी हराता है जो कि एक डाफ होती है और ताकतवर भी होती है, जिसके बाद मकोतो यहाँ पे घर जाने लग जाता है। पर मकोतो कहता है कि मुझे कहीं पे जाना है, क्या तुम मेरे बिना घर जा सकती हो? दरअसल मकोतो ने जिस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है उस बारे में तो आपको काफी ज्यादा पता है, और उसने रेस्टोरेंट के दौरान उसे बताया भी था कि जो भी यहाँ पे रेम्ब्रांत कंपनी की यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्ट करता है तो उसके साथ काफी बुरा होता है। तो मकोतो कहता है लगता है मुझे इस मिशन को संभाल के करना पड़ेगा। मियो फिर से कहते हैं कि सावधानी से जाना। मकोतो फिर कहता है कि तुम सोने के लिए जा सकती हो क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। पर मियो ये बिल्कुल नहीं सोच रही होती है, वो सोच रही होती है कि आज यंग मास्टर वो बिल्कुल अकेले होंगे रूम में और कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं सोती और एक बेड पे जाके बैठ जाती है और इंतजार करने लग जाती है कि मकोतो कब आएगा। पर मकोतो जैसे ही आता है वो सो जाता है और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं मकोतो को जो कि यहाँ पे मिस गेट का यूज करके डेमी प्लांट के अंदर आ जाता है। तभी यहाँ पे एमा आ जाती है जो कि कहती है कि हम आपको कुछ दिखाना चाहती है, जिसके बाद ये इसे दिखाती है कि इसका यहाँ पे रेजिडेंट बनने जा रहा है जो कि काफी बड़ा है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोग्रेस कैसी चल रही है चीजों की। तोमोई की फ्रेगनेंट फिर मकोतो को बताती है ये सारी चीजें उसने इसकी मेमोरीज को देख के बनाया है जो कि तोमोई ने एक जगह रिकॉर्ड करके रखी है। ये फिर एमा से पूछता है क्या तुम्हारी बात तोमोई से हुई है, पर वो कहती है कि अब तक तोमोई डेमी प्लांट में नहीं आई है, जिसके बाद ये इसकी फ्रेगनेंट से पूछता है क्या तुम्हारी बात उससे होती रहती है। ये कहती है कि डेमी प्लांट से निकलने के बाद उसका मेरे से कॉन्टेक्ट टूट गया है। तभी ये लोग देखते हैं इनकी तरफ यहाँ पे डाफ विलेज के एल्डर आ रहे होते हैं। वो मकोतो को कहते हैं कि यंग मास्टर आपको देख के काफी ज्यादा खुश हुई, ये डिवाइस मैंने बनाया, ये काफी तेज भागने में आपकी मदद करता है, पर इससे भी बढ़िया चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज मेरे साथ आइए। जिसके बाद मकोतो इनके साथ चले जाता है और मकोतो देखता है कि इन्होंने इसके लिए आर्मर बनाई होती है, पर मकोतो कहता है कि ये सब मैं नहीं पहन सकता, ये काफी ज्यादा भारी है। और ये सुनने के बाद इन सभी का दिल टूट जाता है क्योंकि इन सभी ने मकोतो के लिए ये सारी चीजें प्यार से बनाई होती है। पर तभी मकोतो की नजर एक कोट पे जाती है जो कि काफी अच्छा लग रहा होता है, तो मकोतो कहता है कि ठीक है ये चीज को मैं पहन लूंगा। विलेज के एल्डर इसे बताते ये चीज रुगुई ने बनाई है। तभी यहाँ पे रुगुई आ जाता है जिसने इसके इयररिंग्स भी बनाई थी। ये कहता है कि मुझे लगा ही था कि आपको ये चीज पसंद आएगी। ये फिर मकोतो को बताता है कि ये कोट आपका जो माना है वो काफी जल्दी इसे अब्सॉर्ब करेगा और इसी के चलते ये आपको मार भी सकता है, तो प्लीज इसे ध्यान से पहनिएगा। और मकोतो इसकी बिना बात सुने ये जैकेट को पहन लेता और कहता है ये सचमुच काफी जल्दी से मेरा माना अब्सॉर्ब कर रहा है, ये तो काफी अच्छा। जिसके बाद ये सब बताता है इसकी दो लेयर है, एक अटैकिंग लेयर और एक डिफेंसिंग लेयर, और ये उसी के हिसाब से अपना रंग भी बदलता है। यहाँ पे ये इस चीज को ट्राई करता है और इसे काफी अच्छा लगता है। ये फिर इसे बताता है कि जो रेड है वो दर्शाता है डिफेंस को और जो ब्लू है वो अटैक को दर्शाता है। ये फिर इस सूट की टेस्टिंग करने का फैसला करता है, पर ये देखता है कि कुछ देर बाद ये जो सूट है वो पूरी तरह फट जाता है। तो ये कहता है कि मैंने इसे पूरी तरह नहीं बनाया था, पर मैं आपके लिए जल्दी से कुछ ना कुछ बना दूंगा, और ये पूरी जोश में आ जाता है। वो कहता है कि मैं एक ऐसा सूट बनाऊंगा जो कि आपको मार देगा। हम फिर अगले दिन मकोतो को देखते हैं जो कि अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए रेम्ब्रांत ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ पे आ चुका होता है, और यहाँ पे इसकी मुलाकात इस कंपनी के बटलर से होती है जो कि कहता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो। ये कहता है कि मैं यहाँ पे मटेरियल बेचने के लिए आऊँ जो कि आपने यहाँ पे मिशन में लिखा था। मकोतो की मुलाकात फिर इस कंपनी के ओनर से होती है जो कि कहता है कि जो भी तुम अब तक कर रहे थे वो सब कुछ गलत था, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहते तो होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। और हाँ, हम ऐसी वीडियो बनाने वाले आगे जाके भी, और काफी सारी और वीडियो आने वाले हैं। और प्लीज गाइस एक बार सारी वीडियोस को भी चेक कर लेना जो कि चैनल पे है, जो कि करीब 300 के करीब है। हम और भी वीडियो नए नए अपलोड करने वाले और नए नए एनिमीज को भी लाने वाले हैं। तो आखिर में चाहते हुए कहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।